अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों पहुंच गया हूं मैं टोक्यो। हो गई है बोर्डिंग मेरी हनीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो पे आया हूं और मेरी बोर्डिंग हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, मुझे जो उन्होंने स्टिकर लगाया पासपोर्ट पे, ये लगाया इन्होंने स्टिकर, 15 दिन की एंट्री दी है मुझे। ये भी देख सकते हैं आप, मैं हनीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो बस अभी मैं बाहर जाता हूँ और फिर टेक अ टैक्सी देन गो टू माई हॉस्टल। ये मेरा बैग है, ये मेरा सामान है साथ में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे कि क्वेश्चनिंग क्या होती है एयरपोर्ट के ऊपर। दोस्तों मैंने जितने अभी तक दोस्त देखे हैं ना, वो नरीटा एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चनिंग काफ़ी होती है, ठीक है। कंग्रेचुलेशन पाशा पाशा, थैंक यू सो मच पाशा पाशा। तो बहुत क्वेश्चनिंग होती है नरीटा एयरपोर्ट पर, हनीदा एयरपोर्ट पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। मेरे से उन्होंने जस्ट ये पूछा था, टाइम थोड़ा सा लगाया था एज़ कम्पेयर टू, पूछा था कि क्यों क्या करने आए हो यहाँ पे। मैंने उनको बताया था कि मैंने यहाँ पे सलाम मलिक तसव्वुर अब्बास, वालेकुम सलाम, कंग्रेट्स ब्रो हुमायूं खान, थैंक यू सो मच। उन्होंने बस यही पूछा क्या करने आए हो। मैंने उनको थोड़ा सा बताया अपना कि मैंने फ़लानी फ़लानी जगह जाना है। अच्छा जी, गुड हो गया, थैंक यू सो मच आपका अली भट्टी भाई। कॉन्टैक्ट नंबर दे दो तुर्की की इन्फॉर्मेशन। भाई मैं दे दूंगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अभी तो मैं इंटरनेट एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, घर जाकर मैं भी बात करता हूँ। भाई पहुँच गए हो जापान में और क्या क्या सवाल किया है? हाँ यही चीज़ मैं बता रहा हूँ भैया, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि कहाँ किधर जाना है आपने, कौन कौन सी प्लेसेस पे विज़िट करना है, ठीक है। वो चीज़ें बताई हैं मैंने, उन्होंने मेरे फ़्लाइट रिटर्न टिकट देखी है, ठीक है, पासपोर्ट पूरा देखा कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रैवल किया हुआ, और बस इसी तरह के दो चार क्वेश्चंस किए हैं। और उन्होंने एयरपोर्ट होटल का पूछा था कि होटल किस तरह जाओगे, मैंने कहा टैक्सी लूँगा यहाँ से सीधा मैं सिटी में चला जाऊँगा होटल में, होटल मेरा टोक्यो स्काईट्री से 1 किलोमीटर दूर है, उनको मैंने सारा बताया था। तो ये दो पेपर देते हैं अभी, वो पेपर मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगा किस टाइप के पेपर होते हैं। जहाज़ में ही आपको पेपर मिलते हैं, वो फिल करने होते हैं आपको, वो फिर इमिग्रेशन को पेपर देने होते हैं। फर्स्ट इमिग्रेशन पे वो आपको एंट्री देंगे, सेकंड इमिग्रेशन पे दोबारा आपसे वो ले लेंगे, एक और पेपर लेंगे, और फिर पूछेंगे क्या करने आए हो, कितने दिन रहना है, कौन कौन सी प्लेसेस पे विज़िट करना है, बस ये पूछेंगे। कॉन्फिडेंट रहना है, सेटमेंट हो क्या हो तो इंशाल्लाह एंट्री मिल जाएगी। अच्छा, नरीटा एयरपोर्ट से मैं कहता हूँ हनीदा एयरपोर्ट पे आओ, हनीदा एयरपोर्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, नरीटा पे मैंने जितने दोस्त किए हैं उनसे क्वेश्चनिंग हुई है। अच्छा, और जापान एंट्री में क्या क्या क्वेश्चन मैंने बता दिया। सलाम, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे, आमीन। रजी नकवी अली भट्टी, वेलकम ब्रो, थैंक यू। लाजमी घर जाकर कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा जी, रफाकत चीमा, और कैसा हो भाई? अल्लाह का शुक्र है भैया। ब्रदर मैंने ये सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई है अभी जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे निकलना है, 11 बजे मेरा होटल बंद हो जाना है, और इस टाइम हो रहा है 10:30 यहाँ पे हो गए हैं जापान में, 11 बजे मेरा होटल बंद हो जाना है, तो मुझे पहुँचना है अभी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता मैं पहुँच सकता हूँ, लेकिन दोस्त ने मुझे फिर भी बता दिया कि किस तरीके से मुझे जाना है। चलें दोस्तों, अभी मुझे काफ़ी काम है, करेंसी एक्सचेंज करवानी है, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।